अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री पोर्शन एंड आई एम योर टीचर उसामा लियाकत फ्रॉम मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल शेखुपुरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस। यस्टरडे वी लर्न अबाउट व्हाट इज अल्कलीज एंड बेसिस and uses of hydrochloric acid and nitric acid. So today we start our lecture from properties of alkalis and bases. जिस तरह हमने properties of acids हमने पढ़ी थी, इसी तरह आज हम properties of bases पढ़ेंगे। बिल्कुल similar properties हैं, थोड़ी बहुत ही different होती हैं उनमें से। अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही properties आपको उसमें से नज़र आएंगी। अच्छा जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है दिस वन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैज़ सोपी टच। क्या मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस जो हैं, मतलब कि इसी बेस को आपने पानी के अंदर हल किया है और उसे हल करके उसका सॉल्यूशन बनाया है, यानी बेस को पानी में हल किया तो ये क्या बन गया, उसका सॉल्यूशन बन गया एक्वा सॉल्यूशन। चूँकि पानी में बनाया तो इसलिए हम उसे एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो जो एक्वा सॉल्यूशन बेस का बना है हमारे पास, तो उसे आप हाथ लगा के टच करते हो, उंगली लगा के चेक करते हो, टच करते हो, उंगली लगाते हो, तो आपको उसका जो फील, वो इस तरह जैसे साबुन को आप टच करते हो इस तरह फील होगा, ठीक है, मुलायम मुलायम सा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस है उनका वो जो उन हम टच करते हैं हमें कैसा फील होता है, वो सोपी टच होता है। उनका क्या होता है, वो सोपी टच होता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर टू है, जिस तरह हमने एसिड में कहा था कि एसिड जो करता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता था, इसी तरह बेस का करता है उसके ऑपोजिट। वो क्या करेगा, रेड लिटमस जो होगा उसे ब्लू में चेंज कर देगा, या फिर कलरलेस फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर क्या चीज़ है, किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो एक कंपाउंड यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम चेक करते हैं, ये हम पढ़ेंगे दो तीन लेक्चर्स के बाद। इंडिकेटर भी हमने पढ़ना है, ये भी हमारा एक टॉपिक है, तो अभी हम इधर ही रहते हैं। जो आपको बताता है, चलो फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जिसका कलर जो है वो कोई कलर नहीं, कलरलेस लिक्विड होता है ये, जैसे वाटर है ना इसी तरह ये कलरलेस लिक्विड होता है। तो उस कलरलेस फिनोफ्थलीन को ये पिंक कर देता है, एंड देन मिथाइल ऑरेंज येलो, ये भी एक इंडिकेटर है और इसका कलर जो होता है ये ऑरेंज होता है, लेकिन इसे फिर ये रेड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्वा सॉल्यूशन, ये एक रेगिड टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन, यानी कि टर्मेरिक पेपर होता है उसे ब्राउन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट वही, हम पहले आपने एसिड में भी ये पॉइंट पढ़ा होगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस से क्या मुराद, अभी हम ऊपर मैंने भी आपको बताया कि बेसिस को जब आप पानी में हल करते हो, डिजोल्व करते हो, तो उससे जो चीज़ बनती है वो एक सॉल्यूशन बन जाता है उसका। उस सॉल्यूशन में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है एक्वा सॉल्यूशन में से, तो इसलिए वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है, कंडक्ट करने दे रहा है, ये गुजरने दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। सो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फोर, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसिस जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमने वही बात जो हमने एसिड में भी कही थी कि बेसिस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, साल्ट और वाटर। तो ये देखे ज़रा, ये आपके पास सोडियम है, ये HCl है, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो दोनों ने रिएक्ट करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जानी है, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो घरों में भी यूज़ करते हैं, और वाटर H2O, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास पॉइंट नंबर फाइव, अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस अमोनियम गैस। यानी कि अल्कलीज को आप अमोनियम साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट यानी कि NH4Cl हो सकता है, या NH4 कोई और भी इसके साथ कंपाउंड लग जाएगा तो वो अमोनियम साल्ट बन जाएगा। तो अल्कली को जब आप अमोनियम साल्ट के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो क्या बनाते हैं, अमोनियम गैस पैदा करते हैं, अमोनिया गैस पैदा करती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा अमोनिया गैस बनी है या नहीं बनी, तो आपको ना एक पंजेंट सी स्मेल, यानी कि एक जो है बदबूदार स्मेल आपको एक आएगी, ठीक है, जो काफ़ी बुरी स्मेल होगी, तो वो आप अमोनिया गैस उससे आप कह सकते हो कि ये जो स्मेल है ये
अमोनिया की स्मेल है। अमोनिया ऑल्सो टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि अमोनिया भी क्या करता है वो भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप इस लिटमस पेपर के साथ जो है रेड लिटमस पेपर है उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो रेड लिटमस पेपर की मदद से भी आप उसकी जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए ये बनाया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस है एक, और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं NH4Cl के साथ अमोनियम क्लोराइड, ये वो साल्ट है। तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ये एक साल्ट बना के पास वाटर, और ये NH3 अमोनिया, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अमोनिया है, और ये आप इसकी स्मेल हमें फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कलीज रिएक्ट विद फैट टू फॉर्म सोप, ठीक है, अल्कलीज जो है ये फैट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। तो ये थे हमारे जो टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं और समझ भी लेने हैं। बहुत ही ईजी पॉइंट है। सबसे पहला क्या है कि जो उसके टच से रिलेटेड आपको सोल्यूशन और बेसिस जो है उनका टच जो होता है वो सोपी होता है। बेसिस जो हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, कलरलेस फिनोफ्थलीन को ये जो है पिंक कर देती हैं, मिथाइल ओरिज को ये येलो कर देती हैं, टर्मेरिक पेपर को ये ब्राउन कर देती है। इसके अलावा एक्वा सोल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है। उसके अलावा बेसिस जो हैं ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाती हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर अल्कलीज को जब आप अमोनियम साल्ट के साथ हीट करते हो तो अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ड्यू टू इट्स पंजेंट स्मेल। एंड देन अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। सो द लेक्चर ऑफ टुडे इज़ कम्प्लीट। ये आपको अच्छी तरह पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।